हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं स्टेट्स का, वो है रिलेशनशिप। कि स्टेट्स के वेरियस कंटेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, तो अपन देखते हैं। पहली रिलेशनशिप अपन देख रहे हैं क्या, कि सिक्स स्टैंडर्डेशन इक्वल्स टू 9 QD इक्वल्स टू 7.5 मीन डिविशन। यानी स्टैंडर्डेशन का 6 टाइम्स बराबर होता है क्वार्टाइल डिविशन के 9 टाइम्स के, और बराबर होता है मीन डिवीशन के 7.5 टाइम्स के। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन अपन इसका करके देखते हैं, जिससे कि अपन को आइडिया लगे। क्वेश्चन है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या गिवन है? कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, बताइए QD कितना होगा, बताइए मीन डिवीशन कितना होगा। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, और इसी से ही अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत आसान है। हम ये जानते हैं 6 स्टैंडर्डेशन QD के बराबर, और स्टैंडर्डेशन हमको पता है, तो 6 स्टैंडर्डेशन बराबर है 9 QD के, और स्टैंडर्डेशन है 10, यानी स्टैंडर्डेशन की जगह आ जाएगा वैल्यू 10 इक्वल्स टू 9 QD। अब आपको QD पता करना है, तो 9 इनके नीचे ले आइए, 6 × 10 / 9, सो QD इक्वल्स टू 6.67। ये लो जी, QD निकल गया। तो बहुत ही इजी है कि आप जस्ट इक्वेशन आपको लगानी है और कुछ नहीं। एक और कैलकुलेट करते हैं। हम ये जानते हैं कि 6 स्टैंडर्डेशन 7.5 मीन डिविशन के भी बराबर है, यानी 6 स्टैंडर्डेशन इक्वल टू 7.5 मीन डिविशन। स्टैंडर्डेशन हमको पता है, स्टैंडर्डेशन कितना है 10 प्लस इक्वल टू 7.5 मीन डिविशन। तो मीन डिविशन अगर हमको पता करना है, तो 7.5 को इनके नीचे ले आओ, यानी 6 × 10 / 7.5। तो इससे आप मीन ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन ड्यूरेशन कितना आ रहा है 8। तो केवल एक इस इक्वेशन से आपने पहले QD निकाल लिया, और फिर आपने इस इक्वेशन से मीन ड्यूरेशन भी निकाल लिया। तो रिलेशनशिप से आप इजीली जो कैलकुलेशंस हैं वो कर सकते हैं, सही है। तो ये एक तो ये रिलेशनशिप है। इनमें से कोई भी एक कंटेंट भी अगर आपको गिवन होगा ना, तो आप बाकी की चीज़ें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। आगे देखते हैं, एक रिलेशनशिप अपन और देखते हैं। यह है कि मोड इक्वल्स टू 3 median - 2 mean। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मीडियन का 3 गुने में से, 3 टाइम्स में से, यदि आप मीन का 2 टाइम्स लेस कर देंगे तो मोड निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास कुछ गिवन इंफॉर्मेशंस हैं। क्या? कि मीन जो है वो 45 है, मोड जो है वो 36 है, तो बताइए मीडियन क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मोड आपको पता है दिस इज 36, मीडियन आपको पता करना है, -2 mean, मीन आपको पता है 45 है, सो 36 इक्वल्स टू 3 median - 90। ठीक है, अब ये जो 3 median है उसको वहां ले जाते हैं, तो ये -3 median हो जाएगा। ये 36 है, इसको यहाँ ले आते हैं, माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस का 90 तो है ही, तो माइनस का 3 median इक्वल्स टू माइनस का 126। आमने सामने के माइनस हैं, कट जाएंगे, सो मीडियन इक्वल्स टू 126, और ये 3 नीचे चल जाएगा, तो मीडियन आपका आ जाएगा 42। दिस इज योर आंसर। तो आप देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से कोई भी दो आइटम आपको गिवन होंगे, तो एक आइटम अपने आप बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। तो ये दो रिलेशनशिप जो है कभी कभी क्वेश्चन में काम आ जाती है। एक 6 स्टैंडर्डेशन इक्वल्स टू 9 QD इक्वल्स टू 7.5 मीन डिविशन, और एक है मोड इक्वल्स टू 3 median - 2 mean। ओके, थैंक यू।